परिणीति चोपड़ा और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म मिशन रानीगंज को रिलीज के बस कुछ ही दिन बचे हैं। ये फिल्म परिणीति के लिए बेहद खास है क्योंकि शादी के बाद ये उनकी पहली मूवी होगी। 24 सितंबर को हुई परिणीति की शादी में भले ही उनके को स्टार अक्षय कुमार शामिल ना हो पाए थे, लेकिन उन्होंने एक्ट्रेस के लिए एक गिफ्ट तैयार कर रखा है। जी हाँ, आपको बता दें कि अक्षय कुमार ने 2 अक्टूबर 2023 को इंस्टाग्राम अकाउंट पर परिणीति के साथ एक रोमांटिक फोटो शेयर की है जो उनकी आगामी फिल्म मिशन रानीगंज से है। तस्वीर में साड़ी पहने हुए परिणीति बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं, तो वहीं पंजाबी लुक में अक्षय अपनी ऑन स्क्रीन पत्नी के प्यार में खोए हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर के साथ अक्षय कुमार ने कैप्शन में परिणीति के लिए खास तोहफा देने की बात कही है। अक्षय ने लिखा है, प्यार से ज्यादा और कुछ भी कीमती नहीं होता। परिणीति चोपड़ा, आपके खास दिन पर एक गिफ्ट जो कल आ रहा है। इस पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए परिणीति ने हार्ट की इमोजी बनाई है। फैंस उम्मीदें लगा रहे हैं कि पक्का कल उनका कीमती सॉन्ग आउट होगा। जी हां, मिशन रानीगंज पश्चिम बंगाल की रानीगंज कोयला खदान में हुए 1982 के हादसे पर आधारित फिल्म है। फिल्म में अक्षय जसवंत गिल का किरदार निभा रहे हैं जिन्होंने इस हादसे में 65 लोगों की जान बचाई थी। तो वही परिणीति चोपड़ा अक्षय कुमार की पत्नी की भूमिका में दिखाई देंगी। मूवी 6 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। आपको बता दें कि अक्षय कुमार के पास बैक टू बैक कई फिल्में लाइन में हैं। मिशन रानीगंज के अलावा अक्षय बड़े मियां छोटे मियां, स्काई फोर्स, सिंघम अगैन और हाउसफुल 5 जैसी फिल्मों में दिखाई देंगे। आखिरी बार एक्टर को ओ माई गॉड 2 में पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम के साथ देखा गया था। मूवी को अच्छे रिव्यू मिले थे। फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफी ज्यादा शानदार रहा था। ऐसे में अक्षय कुमार के जो फैंस हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं अक्षय कुमार को थिएटर में देखने के लिए।